हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ द फटाफट रिवीजन सीरीज़ जिसमें हम लोग थर्टी या थर्टी प्लस क्वेश्चंस करते हैं विद इन फिफ्टीन मिनट्स ताकि हमारा बायोलॉजी फ़टाफट रिवाइज हो जाए और हम लोग को क्वेश्चंस स्पीड में करने का प्रैक्टिस हो जाए जैसे कि हमें नीट एग्ज़ाम में करना है इस वीडियो का टॉपिक है डाइजेशन एंड एब्जॉर्पन तो इस वीडियो से हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी शुरू करने जा रहे हैं सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट स्टार्ट प्रैक्टिस तो पहला क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन डेंटेशन तो ह्यूमन डेंटेशन को हम लोग तीन टाइप से डिफाइन करते हैं पहला डाईफायोडोंट यानी टू सेट ऑफ टीथ पहला प्राइमरी होगा वो मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ फिर थीकोडोंट यानी जो जॉज हैं सॉकेट में वो टूथ एम्बेडेड है तो टूथ आर एम्बेडेड इन जॉज और सॉकेट्स और तीसरा है हेट्रोडोंट यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ जैसे इंसिसर्स कैनाइन प्रीमोलर्स एंड मोलर्स तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर वन नेक्स्ट अ कार्टेलेजनस फ्लैप दैट प्रिवेंट्स द एंट्री ऑफ फूड इन टू ओपनिंग ऑफ विंड पाइप इज तो ये विंड पाइप है इसके ऊपर एक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है दैट इज एपीग्लॉटिस एंड ये बना होता है इलास्टिक कार्टिलेज का सो करेक्ट इज एपीग्लॉटिस

नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्मॉल ब्लाइंड सैक दैट होस्ट सम सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिजम तो जहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन खत्म होता है एंड लार्ज इंटेस्टाइन शुरू दिस पोर्शन इज सीकम एंड यहीं पे सिम्बायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक ईकोलाई प्रेजेंट होते हैं सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री सीकम नेक्स्ट विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रश पॉडर एंजाइम तो ब्रश पॉडर एंजाइम्स आर सकस एंटेरिकस यानी कि इंटेस्टिनल जूस जो इंटेस्टाइन प्रोड्यूस करता है तो यहाँ पे माल्टेज इंटेरोकाइनेज एंड लैक्टेज आर प्रोड्यूस्ड बाई इंटेस्टाइन बट कार्बोक्सीपेप्टिडेज इन अ प्रो फॉर्म दैट इज इन एक्टिव फॉर्म इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाई पैन क्रियाज सो यहाँ पे कार्बोक्सीपेप्टिडेज इज नॉट अ पार्ट ऑफ ब्रश पोडर एनजाइम और जूस so correct is option number 4 next all the statements are correct except stomach stores food for 4 to 5 hours this is true about 30% of starch is hydrolyzed in buccal cavity this is true 30% of starch is hydrolyzed by salivary amylase acidic food in stomach is chyle this is wrong it is not chyle it is chyme

तो इंट्रेंसिक फैक्टर इज सिक्रीटेड बाई ऑगजेंटिक सेल इनको पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं ये एच सी एल सिक्रिएट करते हैं प्लस इंटरेंसिक फैक्टर सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री अगला म्यूकोसा फॉर्म्स डैश इन स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में म्यूकोसा फॉर्म करता है क्रिप्स ऑफ लिबरकून तो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री एंड स्टमक में म्यूकोसा फोल्ड करके रूगे बनाता है एंड उसके साथ गैस्ट्रिक ग्लैंड तो ये है स्टमक में नेक्स्ट अ कॉमन डाक दैट ओपन्स इन टू डू डिनम एंड इज गार्डेड बाई स्विंकटर ऑफ बाय फोन बाई ज्वाइनिंग स्फिंक्टर ऑफ ओडाई जो को गार्ड करता है दैट इज हिपैटो पैनक्रियाटिक डिपैटो पैनक्रियाटिक एंड कॉम ऑप्शन टू अगला दैट इज नॉर्मली हाइड्रोलाइज इन दरल कैविटी इज तो दिस इज थर्टी परसेंट ऑफ द टोटल इनटेक ऑफ स्टार्च जो हाइड्रोलाइज हो जाता है इन द ओर कैविटी सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल ग्लैंड आर प्रेजेंट इन सब म्यूकोसा तो डुओडेनम पार्ट ऑफ एलिमेंट्री केनाल जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है यहाँ पे ग्लैंड जो होते हैं वो सब म्यूकोसा पार्ट में प्रेजेंट है करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट विच इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ पैनक्रियाटिक जूस तो पैनक्रियाटिक जूस का कम्पोनेंट होता है ट्रिप्सिनोजन स्टेप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टीडेज बट न्यूक्लियोटाइडेज दिस इज़ पार्ट ऑफ सक्कस इंटेरिकस नॉट पैनक्रियाटिक जूस सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट एक्जोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रिया सिक्रीट तो एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ पैनक्रिया से एंडोक्राइन से इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन सिक्रीट होता है ग्लूकागॉन एंड एक्सोक्राइन पार्ट से जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स है वो सिक्रिय होते हैं तो इंसुलिन यहाँ पे नहीं होगा ग्लूकागॉन भी नहीं होगा तो यहाँ पे होगा पैनक्रियाटिक जूस तो ऑप्शन टू इज द करेक्ट ऑप्शन नेक्स्ट इफ दिस एंजाइम वेयर टू बी एबसेंट इन आर स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स इन आर बॉडी वुड बी सीवियरली इफेक्टेड तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है बाय द एंजाइम ट्रिप्सिन एंड यहाँ पे ऑप्शन में ट्रिप्सिन प्रेजेंट ही नहीं है यहाँ पे उससे रिलेटेड एंटेरोकाइनेज प्रेजेंट है एंड एंटेरोकाइनेज स्मॉल इंटेस्टाइन से सिक्रीट होता है एंड ये क्या करता है ट्रिप्सिन नो जिन जो कि इनएक्टिव फॉर्म है ट्रिप्सिन का उसको कन्वर्ट करता है इनटू ट्रिप्सिन तो यहाँ अगर एंटेरोकाइनेज नहीं होगा तो ट्रिप्सिन एक्टिव नहीं होगा एंड प्रोटीन डाइजेशन विड बी सीवियरली इफेक्टेड सो करेक्ट इज ऑप्शन डी एंटेरोकाइनेज। वी आर ऑन द हाफ वे ऑफ द वीडियो फिफ्टीन क्वेश्चन आर डन दिस इज दिक्सटींथ क्वेश्चन सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट लाइपेज एंड न्यूक्लियस आर नॉट प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस तो पहला स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है पैनक्रियाटिक जूस में लाइपेज एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल्स सिक्रीट म्यूकस दिस इज ट्रू ब्रूनस ग्लैंड आर सब म्यूकोसल ग्लैंड दिस इज ट्रू एंड ये डोडिनम में प्रेजेंट होता है कार्बोक्सीपेप्टीडेज कैटेलाइज कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन्स पेप्टोस एंड प्रोटिजेज इंटू डाइपेप्टिस इज ट्रू कार्बोक्सीपेप्टेज ब्रेक करता है प्रोटीन्स को डाईपेप्ट में तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ़ कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड सुक्रोज जो कि स्टार्च है ये भी अप्रोक्स सिक्स पॉइंट एट सेवन के करीब ही डाइजेस्ट होता है एंड विटामिन को कोई प्रॉब्लम नहीं है बट प्रोटींस ये जो प्रोटीन्स है वो एसिडिक पी एच में डाइजेस्ट होते हैं इन स्टमक एंड एल्कलाइन में इन in इंटेस्टाइन तो यहाँ न्यूट्रल पी एच में प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा सो करेक्ट इज ऑप्शन बी प्रोटीन विल बी इफेक्टेड अगर स्टमक का पी एच सेवन यानि न्यूट्रल कर देंगे नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन करेक्टली मैच्ड तो प्रोटीनस को डाइपेप्टाइड्स में ब्रेक करने के लिए ट्रिप्सिन काइमोट्रिप्सिन एंड कार्बोक्सीपेप्टिडेज एंजाइम यूज़ होंगे दिस इज ट्रू न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज नहीं न्यूक्लियस लगेगा न्यूक्लियस विच इज़ अ पैनक्रियाटिक एंजाइम एंड न्यूक्लियोटाइड्स को कन्वर्ट करने के लिए न्यूक्लियोटाइडेज लगेगा क्योंकि एंजाइम्स आर डिपेंडेंट ऑन द सबस्ट्रेट तो यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड है तो न्यूक्लियोटाइडेज एंजाइम नहीं होगा फैट्स को डाई एंड मोनोग्लिसराइड्स में कन्वर्ट करने के लिए लाइपेज यूज होगा एंड स्टार्च पे सलाइवरी अमाइलेज एक्ट करेगा और ये माल्टोज में कन्वर्ट होगा सो so, यहाँ पे इनकरेक्ट है ऑप्शन बी नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन गिवन बिलो वुड नॉट वर्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस तो सेंटेंस है इन ऑर्डर फॉर द बॉडी टू एब्जॉर्ब एंड यूज डैश दीज मस्ट बी ब्रोकन डाउन बाई हाइड्रोलिस इन टू डैश तो यहाँ मैक्रो मॉलिक्यूल होगा और यहाँ माइक्रो मॉलिक्यूल तो पॉलीसैक्राइड्स कन्वर्टेड इंटू मोनोसैक्राइड दिस इज ट्रू अमीनो एसिड्स को ब्रेक करके प्रोटीन्स नहीं बनाते हैं दिस इज रॉन्ग यहाँ पे उल्टा होना चाहिए था फैट्स ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स तो फैट्स और ग्लिसरॉल फैटी एसिड्स में ब्रेक होगा ये भी सही है डाई सेक्राइड्स मोनोसैक्राइड्स में ब्रेक होगा ये भी सही है तो यहाँ पे ऑप्शन बी वुड नॉट वर्क इन द फॉलोइंग सेंटेंस तो यहाँ करेक्ट इज ऑप्शन बी नेक्स्ट ग्लिसन कैप्स्यूल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ तो ग्लिसन कैप्स्यूल जो लिवर में लोब्यूल्स होते हैं उसको एक पतला सा सात कवर करता है दैट इज ग्लिसन ग्लिस और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है मैमल्स के लिवर का यहाँ पे करेक्ट इज ऑप्शन वन मैमल्स अगला क्वेश्चन ब्रूनर्स ग्लैंड इज प्रेजेंट इन तो ब्रूनर्स ग्लैंड ये एक सबमुकोसल ग्लैंड है और ये प्रेजेंट होता है डुओडेनम में करेक्ट है ऑप्शन नेक्स्ट इन ह्यूमन एलिमेंट्री कनाल मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स ऑकर इन तो मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में वो भी जेजेनम एंड ईलियम वाले पार्ट में करेक्ट है ऑप्शन नंबर थ्री नेक्स्ट इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स ऑकर्स इन ए एंड इज डन विद देल्प ऑफ बी तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स होता है डोडेनम में एंड बाई का जो सॉल्ट वाला कॉम्पोनेट है वो करता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर नेक्स्ट प्रिंसिपल एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट इज तो फैट का मेन डाइजेशन होता है डुओडोरम में दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन एंड वहाँ पे पैनक्रियाटिक लाइपेज होता है दैट इज़ द मेन एंजाइम फॉर डाइजेशन ऑफ फैट सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर फोर और ये जो इंटेस्टिनल लाइपेज है ये सकस एंटेरिकस यानी इंटेस्टिनल जूस का पार्ट होता है तो जो लास्ट में थोड़ा बहुत फैट बच जाता है उसको ये डाई एंड एंडमोनोग्लिसाइड्स में कन्वर्ट करता है बट प्रिंसिपल एंजाइम इज पैनक्रियाटिक लाइप नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन एंड आई मार्केट एज अ स्टार्क क्वेश्चन ऑफ द वीडियो फॉर्मेशन ऑफ काइलोमाइक्रॉन्स ड्यूरिंग एब्जॉर्ब्शन ऑफ फैट्स ऑकर्स इन तो काइलोमाइक्रॉन्स जो होते हैं वो फैट ग्लोब्यूल्स को प्रोटीन कोट कर दिया जाता है ताकि उनका एब्जॉर्ब्शन हो पाए एंड ये कन्वर्जन होता है इंटेस्टिनल म्यूकोसा में ये याद रखने का चीज है वेरी इंपॉर्टेंट सो करेक्ट इज ऑप्शन वन नेक्स्ट दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी नाइस यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि एंजाइम का नेम सबस्ट्रेट पे कैसे डिपेंड करता है तो न्यूक्लिक एसिड ए के प्रेजेंस में न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है एंड न्यूक्लियोटाइड्स बी के प्रेजेंस में न्यूक्लियोसाइड्स में कन्वर्ट हो रहा है तो यहाँ न्यूक्लिक एसिड है

फॉलोइ इज इम्पोर्टेंट फॉर कन्वर्जन ऑफ पेप्सिनोजन इन टू पेपिनोजेटिव होता है एंड एच सी एल के प्रस में वो पेप्सिन में कन्वर्ट होता है सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर टू नेक्स्ट एक्टिवेटर एंजाइम ऑफ सक्स एंटेकस कैटेलाइजेज द रिएक्शन तो सकस एंटेरिकस का एक्टिवेटर एंजाइम जो है दैट इज वो कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में सो करेक्ट इज ऑप्शन वन नेक्स्ट फाइंड द करेक्ट मैच वॉमिटिंग इंक्लीनेशन टुवर्ड्स फूड ये रॉन्ग है वॉमिटिंग में फूड की तरफ इंक्लिनेशन नहीं होता उससे दूर भागते हैं जॉन्डिस स्किन एंड आईज टर्न येलो ड्यू टू एक्सेस डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स ये बिल्कुल सही है जॉन्डिस के लिए मेरासमस ओयडेमा इन लेग्स पॉट बेली एंड डायरिया तो लेग्स में वाटर टेंशन यानी ओयडेमा नहीं होता है दिस इज रॉन्ग रिकेट्स डेफिशियंसी ऑफ विटामिन ई तो ये भी रॉन्ग है जो रिकेट्स है वो विटामिन डी के डेफिशियसी से होता है नॉट विटामिन ई तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन टू नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो क्वेश्चन थर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज ड्यू टू विटामिन बी वन तो विटामिन बी वन के डेफिशियंसी से हम लोगों को होता है बेरी बेरी सो करेक्ट इज ऑप्शन नंबर थ्री सो द चैप्टर डाइजेशन इस वीडियो के सारे क्वेश्चन प्रॉपरली एनसीआर टी बेस्ड है